कि फैजल खान ने मेरी बहन को गाली दी थी, तो मैं उसी के सिलसिले में बात करने गया। अब बेचारा गवारा बात करे खातिर भैया उठा उठा के पीट दिए गए। अब देखो बहन का गाली दे तो कोतवाली जाते थाने जाते। नहीं भैया इमन है ना, ये यहाँ बात करे खाते। इनका भैया ओम ठाकुर और वारिस लेकर गए थे कि चलो सुलह करते हैं चल के। अरे गाली कैसे दे दिया, चलो बतियाते चल करके। अब जब बतियाने गए तो फैजल हेमंत सौरभ निशांत सबके सब चढ़ बैठे भैया इनके ऊपर, उठा उठा के इनको पीटा। बता रहे हैं कि 30-25 लड़का रहे भैया, सब जने घेर ली और उठा उठा के हमको पीटा। इतना पीटा कि देखो आंख पचक गई है, नाक से खून बह जा रहा, माथा का पार फूट गया। अब ड्रामा सेंटर में भर्ती है, सूचना मिली तो पुलिस तो पहुंची, कार्रवाई कर रही है। वैसे लपेड़ा बाग के रहने वाले अरविंद कुमार पिता का नाम है, उत्कर्ष त्रिवेदी का नाम है। तनिक सुनो बेचारे, आप भी तो सुना दे कि साहब देखो हम तो बात बतियाने गए थे और हमको पीट दिया, उठा उठा के पीटा, आंख साख फूट फाड़ दिया। तनिक सुनो का बता रहे हैं। मैं उत्कर्ष त्रिवेदी। क्या मामला था? मामला ये था कि फैजल खान ने मेरी बहन को गाली दी थी, तो मैं उसी के सिलसिले में बात करने गया ओम ठाकुर और वारिस के साथ, जो कि मेरे साथ थे, मेरे लिए बात कराने ले गए थे। वहाँ पे फैजल आगे खड़े हुए थे, पीछे से हेमंत और 30-35 लोगों का गुट था। फैजल से मैंने कुछ बात ही की, उतने में सब लोग आके एकदम से मुझे मारने लगे। उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद है। कौन कौन था आपके साथ? मेरे साथ मैं, ओम भैया और वारिस। और विपक्ष पक्ष में कौन कौन था? विपक्ष पक्ष में ये क्या नाम, फैजल, हाँ फैजल सबसे सामने ही था, उसके पीछे होमंत, हेमंत, सौरभ सिंह साठ, निशांत शुक्ला, कुणाल। इन पे कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, ये कुख्यात अपराधी हैं। हाँ बेटा उत्कर्ष, जब जानते थे कि कुख्यात अपराधी तो काहे रात का चले गए रहो। अब देखो मुंह से फूट गया, नाक से खून बह जा रहा भैया, अस्पताल में भर्ती हैं और पिताजी इनके एप्लीकेशन लेकर टहले कि साहब कार्रवाई कीजिए। फिलहाल अखिलेश दास ने संजय मौर्य नगर कोतवाल जी से बातचीत की तो उनका कहना कि देखिए नशे मधु तो रहे तो मारपीट कर, इनको तो खास बात थी नहीं और एक तहरीर प्राप्त होगी तो मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अब देखो भैया पुलिस का तो साफ तौर से कहना कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आजकल के लड़के भैया 60-65 ग्रुप बना लिए थे और इंडिया से फूटे रहे कि मिर्जापुर पिक्चर के मुन्ना भैया बने जा रहे हैं, इंस्टाग्राम देख देख करके दुर्लभ कश्यप बनेंगे। अरे ढंग से पढ़ाई वढ़ाई कर लो, माँ बाप का नाम रोशन करो, मान भट्ट गवार बने घुमा कर तो ज्यादा बोल देंगे तो छाती पर आग लग जाएगी। फिलहाल पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है और भैया पढ़ाओ लिखो, देश का भविष्य सुधारो। पर फिलहाल बारह वक्त जब उत्तर प्रदेश के लिए ABC4 की बात होगी, साझी खबर से मिलेगी दबा दो बैरंग कस के। अब सब्सक्राइब कर लो, चलो कहना पड़ेगा कहा।